बारिश भी है, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, एक अवामी जमात की अवामी अप्रोच है, सादगी में मीटिंग हुई है और बड़ी आला मीटिंग हुई है जो आज हमारी कोर कमेटी की है और सारे पाकिस्तान से दूर अफ्तादा लोग तशरीफ लाए हैं शॉर्ट नोटिस पर। तो ये है जो तहरीक इंसाफ में जो नई जिद्दत पैदा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। रहमान रहीम, आज इतनी बारिश के बावजूद एक तो कोर कमेटी की मीटिंग खान साहब ने बुलाई थी, एक वो मीटिंग हो गई थी और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खान साहब के एक कॉल पर यहाँ पर सब हम सब मौजूद हैं और कोर कमेटी की मीटिंग आज रूल ऑफ लॉ के हवाले से हुई और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहना है, पाकिस्तान को सपोर्ट देनी है और ये डिस्कशन आज कोर कमेटी में हुई और लाइमल बाकायदा तौर पर आज फौज चौधरी साहब खुद जारी करेंगे। बाकी वर्कर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि लीडरान भी यहाँ पर मौजूद है, वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद है, जितनी भी हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह और भी वर्कर्स यहाँ पर आएंगे और हम अपने लीडर को हर हाल में प्रोटेक्शन देंगे। माशाल्लाह आज पूरी सेंट्रल कमेटी जो है खान साहब ने बुलाई हुई थी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। हालांकि आप इस बारिश को देखें और उसके बावजूद जो है जिस तरह पठानों को हुजरा होता है, चारपाइयाँ लगाए हुए थीं उसके ऊपर जो है सारी क़ियादत पीटीआई की वहाँ पे बैठे हुए थी, पूरी डिस्कशन जो है हमने की कि पाकिस्तान अब आइनी तौर पर और कानूनी तौर पे कहाँ जा रहा है। उसके बाद खान साहब ने अपना जो माफी ज़मीर था हमारे सामने बयान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस ने भी हाथ उठाया उसको मौका दिया गया कि वो अपना लाए अमल जो है अपनी क़ियादत के सामने पेश करे और उसके बाद उसको हमने समराइज़ किया। मैं समझता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं, मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर हैं, उनको कानून और आईन के साथ खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि हमारा मुल्क अगर तबाही से बच सकता है तो सिर्फ एक वजह से कि हम कानून और आईन की हुक्मरानी को इंश्योर कराएं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़ियादत के अंदर पीटीआई के इस बलबले और जज्बे के तहत, उसके कारकुनों के जज्बे, उसकी कुर्बानियों के जज्बे के तहत इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में कानून और आईन की हुक्मरानी इंशाल्लाह होगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त बारिश में नुहार बारिश में भीगा हुआ है, हमने भी बारिश में भीगते हुए किया है, गीली चारपाइयों पे बैठ के टेंट लगा के इजलास किया है, सारे लोग यहीं बैठे हुए और चाय भी नहीं मिली। और चाय भी बारान रहमत थी बेशुमार और जज्बे थे बेहद और जुनून था बेहिसाब। मैं बाहर भी देख के आया और अंदर जिस मीटिंग में था उसमें भी था। तो तीन चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर एक कि जो मर्जी हो जाए पाकिस्तानियों, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह अज़ीज। नंबर दो, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तानियों, अल्लाह के करम से इमरान खान वापस आ रहा है। तीसरी बात कि जो मफरूर भागा हुआ है उसके लिए कोई रास्ता नहीं खुलने वाला, सब गलतफहमियां दूर कर देंगे हम। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इस वक्त जो आईन पे, कानून पे, निज़ाम इंसाफ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, जजेस पे जो रखी कमले हो रहे हैं उनकी हमने शदीद मुज़म्मत की है और जिस शख्स ने पाकिस्तान में इलेक्शन रोकने की कोशिश की है उसके लिए फैसला हुआ है कि हम उसके खिलाफ तो इन्हें अदालत में जा रहे हैं। आज जो है वो कोर कमेटी की मीटिंग थी जमान पार्क में और बारिश के दौरान हम सब ने चरपाइयों पे अवामी तरीके से जो है, अवामी पार्टी है, अवाम की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी अवाम की, तो आज चरपाइयों पे बैठ के आज मीटिंग हुई है और असल चीज़ थी कि अवाम की फलाह के लिए जो फैसले हैं वो, तो आज फैसला यही हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के साथ खड़ी है और आइनी जो तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो उसको देख रही है। दूसरा ये है कि जो इम्पोर्टेड सरकार जो गैर मुल्की इमा पे बनी थी, आपने देखा कि जिस तरह वो सैफर आया था, ये अपनी चोरियां बचा रहे हैं, कानून साजी जो कौमी असम्बली में कर रहे हैं, पहले भी 1100 अरब रुपए की चोरियां इन्होंने बचाई, अब फिर जो कानून साजी की है वो ये की है कि जो चोर, जो भगोड़ा, जो सज़ा याफ्ता, जो मुजरिम, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भागा हुआ है और डरपोक बरतानिया में बैठा हुआ है अपने बेटों के साथ, तो उसको किसी तरह लाया जाए और उसको जो रिलीफ देने का कानून बनाया उसकी पुरजोर मजम्मत हुई है और अवाम को जिस तरह आटे की लाइनों में खड़ा करके तकरीबन 20 लोग खुराक लेने के सिलसिले में जान से हाथ धो बैठे हैं उसको कंडेम्ड किया है।
पेट्रोल जो है इस टाइम $64 फी बैरल हो गया, आलमी मंडी में सबसे सस्ता तरीन है, और पाकिस्तान में 272 रुपए का दे रहे हैं, हमारे दौर में $112 फी बैरल था और हम 150 रुपए का दे रहे थे। तो हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं, मईशी तबाही हो रही है। तो फैसला ये हुआ है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जब भी होंगे भरपूर हिस्सा लेना है, और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, हम अवाम के साथ खड़े हैं। इस टाइम जो पकड़ दकड़ हो रही है, जिस तरह हमारे सोशल एक्टिविस्ट को पकड़ा जा रहा है, इमरान खान साहब पे 142 से ज़्यादा केसेस हैं, डट के खड़ी है, डट के हम भी खड़े हैं, मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह इन इम्पोर्टेंट सरकार के सब चोरों को जो है वो इबरत का निशान बनाएंगे। ये तो आप बड़ा अच्छा माहौल है, टेंट भी लगा हुआ है, मंजी भी है, ये ना भी होना तो भी लोग इस वक्त खान साहब के साथ ऐसे डट के खड़े हुए हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त बड़े संगीन मरहले से गुजर रहा है, और ये डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में जंगल का कानून होगा या पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन आइन का राज होगा। तो उसके लिए ये तो कोई कुर्बानी नहीं है कि हम मंजी पे बैठे हैं या टेंट के नीचे बैठे, तो ये तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कुर्बानी लोग देने के लिए तैयार हैं, लोगों ने दी है, जैसे लोग जेल गए हैं, गायब हुए हैं, उनको अगवा किया गया है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इंशाल्लाह जब आने वाला वक्त लिखा जाएगा तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में लिखा जाएगा कि हर तरह के माहौल में, हर तरह की मुसीबतों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कायद के साथ खड़ी हुई। बारिश ने पहले कभी रोका है हमें? बारिश में तो हमने जलसा किया, इतनी देर बारिश में मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया, धरना जब 2014 का था कितनी बारिश हुई, तो बारिश से हमें कोई डर नहीं लगता। जब काम करना है कौम के लिए तो काम करना है, तो अच्छा हुआ सारे लोगों ने अपना राय रखी और फिर खान साहब ने फैसला किया। लेकिन मैं जो बात ज़रूरी करना चाहता हूँ वो जो ये टीवी के ऊपर बैठ के पीडीएम वाले जो आज़ा अदलिया के साथ जिस तरह की बेहुदा ज़बान और जो नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं ना, तो हमारे खिलाफ़ जब फैसला आया था हमें कोई फिक्र नहीं थी, जो अदलिया का फैसला हम कबूल किया था। ये अदलिया का इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जजों को खरीदने का, धमकियां देने का, इसलिए वो ब्लडी मैरी जिसको मरियम का नाम मैंने रखा है, वो हमेशा कहती है कि मेरे पास वीडियो है, उसके ऊपर भी तो कोई केस बने ना, सारे केस हमारे सोशल मीडिया के सादे लोगों को उठा के ले जाने पर बनता है, वो गालियाँ दे रहे हैं टीवी पर बैठ के, उनके ऊपर कोई नहीं। आज तो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की कोर कमेटी थी, लग रहा था उताक में है, डेरे में है, शदीद बारिश, पानी भरा हुआ था, चारपाइयों में सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन जज्बा भी सबसे ज़्यादा था। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से सब लोग आए हुए थे और सब इस वक्त बड़े पुरजोश थे, बड़ा जुनून था और बड़ा मुख्तलिफ माहौल था, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था आज जी। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि अब जहाँ कौम पहुँच चुकी है, हम समझ सकते हैं कि अब ये हफ्ता बहुत अहम है और पूरी कौम आइन की सुप्रीमेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है और अपनी अदलिया के पीछे खड़ी है। हम समझते हैं कि इन्होंने बड़े जुल्म कर लिए, इन्होंने 140 केस बना दिए, इन्होंने हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठा लिए, जुल्म किया, ज्यादती की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हार रहे हैं, अब इनकी शिकस्त सामने है, इंशाल्लाह फतह होगी, फतह हक की होगी, इंसाफ की होगी, इमरान खान की होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी कोर कमेटी का इजलास हुआ, यहाँ पे ज़बरदस्त माहौल था, खान साहब के जज्बा बड़ा ज़बरदस्त था, आज ज़बरदस्त इंतज़ाम भी था, यहाँ पर चारपाइयाँ थी और एक माहौल था यहाँ पे, जो कि अभी बैठ के हमने तमाम लीडरान से डिस्कस किया और खान साहब की जो स्पिरिट थी वो बहुत हाई, और हम सबको उन्होंने ये बताया है कि हमारी जो तहरीक है, तहरीक इंसाफ, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हुई है और हम आइन के साथ खड़े हैं और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, और इस वक्त तमाम कौम तैयार है 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के लिए, और यही जो है मैसेज है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे अवाम के लिए, कि इस वक्त आप जो है रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की अमलदारी के लिए और आइन के लिए खड़े हो रहे हैं, और जो कॉल इमरान खान साहब ने दी हुई है कि जब ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉल दी जाएगी, और रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती के लिए आपने अवाम ने अपना तहफ़ अपने आइन का तहफ़ आप लोगों ने करना है। और आज का जो माहौल था, चारपाइयाँ बिछी हुई थी, वहाँ पर हम बैठे, पंडाल बना हुआ था और बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, तमाम के जज्बे बुलंद हैं और हम तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए, और आप लोग हमारे साथ चलें।